नमस्कार, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देवघर कॉलेज में मोदी जी आ चुके हैं और यहाँ पे इनका भाषण का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग जुटे हुए हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है और मोदी जी अपना भाषण दे रहे हैं। यहाँ पे लोग उनके भाषण को सुनने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बड़े बड़े झंडे को लेकर के यहाँ पे खड़े हैं मोदी जी यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? मोदी जी यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुशी है कि हमारे मोदी जी आए, हम लोग को बहुत खुशी है। तो आप लोग यहाँ पे झंडा लेकर के खड़े हैं और यहाँ पे मोदी जी जो आए क्या क्या यहाँ पे किए? हम लोग मोदी जी का फुल सपोर्टर, इसलिए झंडा लेके आए हैं। तो यहाँ पे जो मोदी जी आए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अंदर चल के दिखाएंगे आप लोग को, यहाँ पे मोदी जी भाषण दे रहे हैं, अंदर जा कर के हम दिखाएंगे। उद्योग लगाना बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ कच्चा माल भी और जब उत्पादन होगा तो झारखंड यहाँ के गरीब को, आदिवासी को आयुष्मान भारत योजना की वजह से झारखंड के लोगों को, गरीबों को देश के दूसरे बड़े शहरों के अस्पतालों में भी बहुत मदद मिल रही है। यहाँ देवघर में एम्स बनने से भी गरीबों की बहुत बचत होने वाली है। साथियों, आदिवासी समाज का सशक्तिकरण, उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य भाजपा की प्राथमिकता है। ये केंद्र सरकार की नीतियों में साफ साफ झलकता है। देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में, अनेक जिले झारखंड के हैं, उसमें भी अधिकतर मेरे ये संथाल परगना में है। कुछ महीने पहले ही देश के 44 जनजातीय जिलों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके लिए सरकार लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसका लाभ झारखंड के अनेक जिलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों, यहाँ के युवाओं को होने वाला है। इससे जनजातीय जिलों में डिजिटल इंडिया का, यानी ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ और बेहतर तरीके से मिल पाएगा। झारखंड 1 लाख मॉडल स्कूलों के नेटवर्क का भी बहुत बड़ा लाभार्थी है। केंद्र सरकार झारखंड में 90 से अधिक 1 लाख स्कूल बना रहा है। भाई और बहनों, झारखंड में प्राकृतिक संपदा भी है और समृद्ध होने का सामर्थ्य भी है। बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के प्रयासों से झारखंड का यह सामर्थ्य और बढ़ रहा है। क्या कभी कल्पना की जा सकती थी कि झारखंड पाइप से रसोई गैस और CNG आधारित ट्रैफिक के मामले में देश के अव्वल राज्य में होगा? आज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के कारण ये संभव हो रहा है। सिंदरी खाद्य कारखाना जो बंद पड़ गया था, उसे फिर से शुरू करने का काम भी तेजी से चल रहा है। ताकि सुविधा मिले तो सबको मिले, हम गरीबों के लिए नए घर बन रहा है। और उनका ख्याल रखने का दायित्व भी मेरे देवघर के भाइयों बहनों का है। देवघर को, बाबा धाम को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सभी भाई बहनों की है। और यात्री आता है, पर्यटक आता है, विदेशी टूरिस्ट भी आता है, तो स्वच्छता उसके लिए पहली आवश्यकता होती है। मैं चाहता हूं ये स्वच्छता हम सबकी जिम्मेवारी है। हम अगर शपथ
कि मैं गंदगी करूंगा नहीं, मैं गंदगी करने नहीं दूंगा, तो स्वच्छता के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाइयों बहनों, आपको कोशिश करनी है कि स्वच्छता की रैंकिंग में कि हमारा देवगढ़ देश के अव्वल शहरों में आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप लोग मेरी मदद करोगे क्या? देवगढ़ को स्वच्छ बनाओगे क्या? हिंदुस्तान में सबसे शानदार बनाओगे क्या? देखिए, मैंने जितना काम किया है, अब मैं इतना थोड़ा सा काम आपसे मांग रहा हूं। झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही हमें सबने मिलकर के काम करना है, और इसी भावना के साथ हमें देवघर को ही आगे बढ़ाना है, सांथाल परगना को भी आगे बढ़ाना है, हमारे झारखंड को भी आगे बढ़ाना है, और पूरे हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ाना है। इसी एक भावना के साथ बाबा के चरणों के फिर एक बार प्रणाम करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।